यू सो मच. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. आज आप लोगों के साथ साथ मैंने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया. शिवानी जी आपने बहुत आज उड़ाया भी, हंसाया भी और बहुत मजा आया. तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मुझसे बार बार रिक्वेस्ट करी थी कि आप स्टेज पर मेरे साथ एक फोटो लेना चाहेंगे. यू डिजर्व इट प्लीज. जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, इसका नाम ग्रॉस रखा, इसका परफॉर्म आपको पता ही है ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस, तो दिमाग में जहन में एक ही चीज थी कि लोगों को ऐसी चीजें सिखाई जाए जो कि उनके हर क्षेत्र में काम आए, वो जीवन में आगे बढ़े, उनकी लाइफ चेंज हो. उसके बाद अगर आप देखें, हर एक अच्छी और बड़ी कंपनी की एक टैगलाइन होती है, जैसे नाइकी की एक टैगलाइन क्या है, एब्सोल्युटली जस्ट डू इट, राइट. इसी तरीके से स्पोर्ट्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है एसजी, राइट, जिससे सुनील गावस्कर जी पूरे जीवन को उसके इक्विपमेंट से खेले, उसकी टैगलाइन में बिलीव ही नहीं हो सकती. सो सेम वे जब मैंने इसका नाम क्रॉस रखा तो दिमाग में जहन में ये था कि यार टैगलाइन क्या रखी जाए. तो टैगलाइन जो बहुत सारे दिमाग में आई, अल्टीमेटली जो फाइनल हुई वो थी डेवलपिंग पीपल एंड ब्रिंगिंग स्माइल. बाहर से आपको ये बिजनेस लगेगा या जो इस बिजनेस का एक बहुत अहम हिस्सा है, हम किसी को जोड़ते हैं, प्रोडक्ट शेयर करते हैं, बट अल्टीमेटली ये बिजनेस है खुद को डेवलप करने का और अपनी टीम को डेवलप करने का. आप जितना ज्यादा आप डेवलप होंगे, आपकी टीम डेवलप होगी, उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे और उस चेहरे पे स्माइल अपने आप आएगी. आज इनको देख के मुझे इतना गर्व महसूस हुआ. और पिछले महीने की 16 तारीख को हमारा सक्सेस सेमिनार था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, आप में से कुछ लोग होंगे वहां पर. 17 तारीख को मेरी गुवाहाटी में वर्कशॉप थी. जब वर्कशॉप वन डे वर्कशॉप खत्म हुई तो शाम को हम लीडर्स के साथ बैठे हुए थे. मैंने उनसे पूछा नहीं, बातों बातों में उन्होंने बताया कि सर शिवानी जी आई थी और ऐसा सेमिनार करके गई, उन्होंने लोगों को खूब रुलाया, खूब हंसाया, डांस भी कराया, मजा आ गया. और आधे घंटे तक वो बोलते रहे. नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता. जब मैंने पूछा नहीं था, उन्होंने अपने आप से बोला, उसी समय मैंने इनको फोन किया. मैंने रात के 10:30 बजे का वक्त था तो मैंने कहा शिवानी जी मैं दिल चाहता हूँ कि आप दिल्ली आए इस बार और आपके साथ में. कल जब मैं बैठा और स्लाइड्स हम डिस्कस कर रहे थे, सारी चीजें डिस्कस कर रहे थे, तो डेफिनेटली मुझे पता था बहुत अच्छा करोगे, लेकिन आपने मेरी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा सुपर एक्सीड करा. आई एम रियली प्राउड. बिकॉज ये सच है, जब तक सुदर्शन जी थे ये बिल्कुल भी नहीं निकलती थी और मुझे इससे पहले पता ही नहीं था कि ये इस तरीके का कुछ कर सकती है. और भैया आप जैसे घूम घूम के सेमिनार कर रही थी, मैंने आज आपको एक नामकरण कर दिया. अब मैं आपको लेडी गब्बर बोलूंगा. मुझे शोले का वो सीन याद आ रहा था जिसमें गब्बर सिंह बेल्ट लेके घूमता है, तो मैं लोकेश को कह रहा था मैं बेल्ट उतार के दे देता हूँ. कितने प्लान दिखाते हो तो पूछ ही नहीं, वो पूछता था कितने आदमी थे ये पूछती है कितने प्लान दिखाए. ये बिजनेस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जो लोगों को चेंज करती है. अंडरस्टैंड, ये आपकी बाहर की दुनिया में भी लोग ऑडी लेते हैं, मर्सिडीज लेते हैं, जो अदर बिजनेसेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते हैं या बहुत अच्छी कोई जॉब करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन जो पर्सनैलिटी में निखार ये बिजनेस लेकर आता है वो कहीं भी संभव नहीं है दुनिया के किसी बिजनेस में, दुनिया के किसी जॉब. दूसरी चीज इस बिजनेस की खासियत, न सिर्फ आपका जीवन बदलता है, ये बिजनेस आपको मौका देता है अन्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने का. और इसीलिए मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को ये बिजनेस करना चाहिए. इनकी आपने स्टोरी सुनी, ऐसा समय किसी के साथ भी आ सकता है. अगर सुदर्शन जी इनकम टैक्स में काम कर रहे होते, इनकम टैक्स कंसल्टेंट होते, शायद इतने ही पैसे कमा रहे होते, क्योंकि सुदर्शन जी जब तक थे उनका हाईएस्ट चेक 9 लाख रुपए था.
शायद वो 9 लाख रुपए अपनी प्रैक्टिस से कमा सकते थे, लेकिन जैसा हादसा हुआ उसके बाद क्या होता? आप खुद सोचिए कि परिवार सड़क पर आ जाता, राइट? सो हर व्यक्ति को ये बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसी पर्सनैलिटी कहीं नहीं कर सकती, ऐसी सिक्योरिटी कोई नहीं दे सकता, और ऐसा माहौल कोई नहीं। और जब ये बता रही थी शुरू में, मुझे वो दिन याद आ रहे थे जब मैं सुदर्शन के साथ में काम किया करता था। 5:30 बजे मेरा टारगेट होता था, मैं अपना होटल छोड़ दूँ, 6 बजे मैं उनको अंधेरे में पिक करता था। और हमारा टारगेट था हम दिन में 2 शहर या 3 शहर में CNT करें। और 6 बजे हम सुबह जब घर छोड़ देते थे, अक्सर हमें लौटते लौटते 10 या 11 बज जाते थे। तो जब तक वो जाते थे बच्चे सो चुके होते थे, ये भी आधी नींद में होती थी। और कई बार हम 4-5 दिन घर नहीं आते थे, और ऐसा हमने 12-12 दिन 15-15 दिन हमारे शेड्यूल से इस तरीके से रहते थे। तो मुझे याद है एक दिन वो मुझे बोले, आप जिस तरीके से मुझे काम करा रहे हो मेरी बीवी मुझे छोड़ के जाने वाली है। मैंने एक ही बात उस समय सुदर्शन को बोली थी, मैंने कहा जिस तरीके से मैं आपको काम करा रहा हूँ, आपकी जो बिजनेस वॉल्यूम वाली बीवी है वो बहुत बढ़ने वाली है, और जब वो बढ़ेगी तो घर में लक्ष्मी आएगी, जब घर में लक्ष्मी आएगी तो घर की लक्ष्मी छोड़ के नहीं जाएगी, भाई खुश होगी। वही हुआ। एंड मुझे अगर वो हार्डवर्क नहीं किया होता तो आज ये मंजर नहीं होता। सो मेरा मैसेज आज आप सभी लोगों को एक ही है कि जैसे बहुत सा अभी इन्होंने कहा कि 2008 में जब मैं इनके पास में गया था, ये बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। और एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आया, जो लोकेशन मुझे याद दिलाया था, मैं तो भूल गया था। उस समय एसेंट कार इनके पास हुआ करती थी, और इन्होंने सही कहा उस समय तेल लगवाने के पैसे नहीं होते थे। तो मैं बाली साहब उसमें ट्रेवल कर रहे थे, तो हमने इनका टैंक फुल कराया, तो सुदर्शन के मुंह से निकला बहुत दिनों बाद मेरी गाड़ी का पेट भरा है। ये फैक्ट है, राइट? सो कहने का मतलब क्या है कि आपकी, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि भगवान खुद नहीं आते, किसी ना किसी रूप में आते हैं। ये बिजनेस आपको भगवान बनने का भी मौका देता है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे तेजेंद्र राणा खेती कर रहे हैं, बहुत सारे राजभवन पेट्रोल पंपों पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे शिवम गोस्वामी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे मनोज कुमार इलेक्ट्रिशियन के रूप में छोटे मोटे काम कर रहे हैं, और अपने जीवन को शायद खत्म करने के बारे में सोचते हैं। उनके भगवान बनने का मौका है आपके पास मेरे भाई, जाओ उनके पास जाओ, जाओ उनके पास, उनको प्लान दिखाओ, जिसके ऊपर भगवान का सदकर्म होगा, आशीर्वाद होगा, उसे बात समझ में आ जाएगी। और जिसे बात समझ में आ गई, जो आपके साथ लग गया और आप अगर लगे रहे, उस समय आपको नहीं पता लगेगा हिस्ट्री क्रिएट हुई होगी। जब मैंने 2008 में इनके साथ काम किया था सुदर्शन जी के साथ में, मुझे थोड़ी पता था कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। हाँ, मैं अपना पैशन से अपना काम कर रहा था। सो आपके पास भी मौका है बहुत सारे लोगों का गॉड बनने का एंड हिस्ट्री क्रिएट करने का। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? सिंपल सा प्लान है, राइट? सिंपल से प्रोडक्ट है, बताने शुरू करो, घर से बाहर निकलो, खूब सारे नाम दिखाओ, जितने लोग जुड़े उनसे पूछो आपका ड्रीम क्या है, उसके बाद उनको सेमिनार में लेकर के आओ, बिठाओ, और फिर फील्ड में जाकर काम करो, और ना लाइफ बदले तो मुझे आगे कहना।